नमस्ते बच्चों, आज हम आपका साइंस का फर्स्ट लेसन शुरू करने वाले हैं, बायो का, जिसका नाम है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये आपका चैप्टर 5 है, लेकिन बायो का आपका फर्स्ट लेसन है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। आपने इसको 8th क्लास में भी पढ़ा था सेल के नाम से, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं डिस्कवरी ऑफ द सेल की डिस्कवरी कैसे हुई। While examining a thin slice of the cork, Robert Hooke saw that the cork resembled the structure of the honeycomb, consisting of many little compartments. तो जो रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, कॉर्क का एक थिन स्लाइस लिया। अब कॉर्क क्या होती है, पेड़ की जो आपकी बार्क होती है, आपके पेड़ में छाल जो होती है पेड़ की, उसमें एक टिश्यू होता है जिसे हम बोलते हैं कॉर्क। उन्हें कॉर्क की थिन स्लाइस करी और उसको जो है मैग्नीफाइंग लेंस में जो ऑब्जर्व किया, ठीक है। और तो उन्होंने देखा कि इसमें कुछ हनीकॉम्ब जैसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, जैसे हनीकॉम्ब में छोटे छोटे कंपार्टमेंट बने होते हैं, इसी तरीके से सेम जो है कॉर्क की स्ट्रक्चर में मौजूद थे। अब कॉर्क क्या होता है, कॉर्क इज अ सब्सटेंस विच कम फ्रॉम द बार्क ऑफ अ ट्री। दिस वाज इन द ईयर 1665 व्हेन द हुक मेड दिस चांस ऑब्जर्वेशन थ्रू अ सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप। तो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवरी करी सेल की, किस ईयर में करी, 1665 में करी। किस चीज के अंदर करी, कॉर्क के अंदर करी, ठीक है। रॉबर्ट हुक कॉल दीज बॉक्सेस सेल्स, रॉबर्ट हुक ने इन बॉक्सेस को सेल्स का नाम दिया। सेल इज अ लैटिन वर्ड फॉर अ लिटिल रूम। लैटिन में सेल को हम, सेल का जो मीनिंग होता है वो होता है अ लिटिल रूम, एक छोटा सा कमरा। दिस मे सीम टू बी वेरी स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट इंसिडेंट बट इट इज वेरी गुड इट इज वेरी इम्पोर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ द साइंस। यानी देखने में तो ये लगता है कि एक छोटी सी घटना थी, लेकिन साइंस की हिस्ट्री में ये बहुत बड़ा, मतलब कह सकते हैं बहुत बड़ी घटना थी जब आपकी सेल के बारे में पता चला। दिस वॉज द वेरी फर्स्ट टाइम दैट द समवन हैड ऑब्जर्व दैट द लिविंग बींग अपीयर टू कंसिस्ट ऑफ द सेपरेट यूनिट। और ये फर्स्ट टाइम था जब किसी ह्यूमन बींग ने ये ऑब्जर्व किया कि जो लिविंग थिंग्स हैं उनकी बॉडी में छोटी छोटी यूनिट्स हैं। The use of the word cell to describe these units is used till this day in biology. यानी आज भी इस मतलब छोटी सी यूनिट को सेल के नाम से डिनोट किया जाता है बायोलॉजी में। Let us find out about the cell. आइए सेल के बारे में और जानकारी लेते हैं। सबसे पहले बात एक्टिविटी 5.1 जो कि आपके एनसीईआरटी में दे रखी है, इसमें आपको बता रखा है एक्टिविटी में कि हम प्लांट सेल की जो प्लांट सेल की टेम्पररी स्लाइड कैसे बनाएंगे, हम प्लांट टिश्यू में यानी प्लांट के किसी पार्ट में हम सेल को कैसे देखेंगे, ठीक है। तो ये आपके लैब मैनुअल में एक्सपेरिमेंट है। तो इसके लिए हमें करना क्या है, लेट अस टेक अ स्मॉल पीस फ्रॉम एन ऑनियन बल्ब। हमें ऑनियन बल्ब लेना है, ठीक है, उसमें से एक स्मॉल पीस लेना है। स्मॉल पीस फोर सेप होता है आपका डाइसेक्शन बॉक्स में, आपके जो कह सकते हैं कि ये टोंग जैसी स्ट्रक्चर होती है, उससे हम क्या करते हैं, आपकी जो लेयर होती है ऑनियन की उसको रिमूव करते हैं, ठीक है। जो अपर लेयर होती है ऑनियन की उसको बोलते हैं हम एपिडर्मिस, ठीक है। तो दिस लेयर कैन बी पुट इमीडिएटली इन द वॉच ग्लास। जैसे ही हम उस लेयर को रिमूव करते हैं, उसे हम वॉच ग्लास में रख देते हैं जिसमें वाटर है, जिससे कि उसका डिहाइड्रेशन ना हो। फिर उसके बाद हमने क्या करना है कि इस स्मॉल पीस पर वॉच ग्लास में लेकर हम उसके ऊपर क्या करेंगे, हेयर ब्रश की मदद, पेंट ब्रश जो होता है आपका, उसकी मदद से सेफ्रनिन नाम का जो डाई होता है जिसका कलर रेड होता है वो डालेंगे, जिससे क्या होगा कि आपकी जो सेल है उस पर कलरिंग आ जाएगी, जिससे कि उसके जो कंपोनेंट्स हैं हम उनको इजीली देख पाएंगे। और हमें इस तरीके से फिर उसको जो एक्स्ट्रा डाई है उसको रिमूव कर देना है वाटर की हेल्प से। फिर उसके बाद आपको जो आपका स्टेन वाली जो मतलब प्लांट की जो लेयर है, सॉरी ऑनियन की जो लेयर आपने रिमूव कर दी ड्राई करने के बाद, उसको हम स्लाइड में रखेंगे। स्लाइड में रखने के बाद हम उसके ऊपर थोड़ी सी ग्लिसरीन ऐड करेंगे, जिससे उसका जो है डिहाइड्रेशन ना हो। फिर उसके बाद हम कवर स्लिप रखेंगे उसके ऊपर, और कवर स्लिप कुछ इस तरीके से रखेंगे कि आपकी जो स्लाइड है उसमें एयर बबल ना आए। अगर जो एयर बबल आपकी स्लाइड में आते हैं तो उससे आपकी जो
स्लाइड होती है वो माइक्रोस्कोप में क्लियरली विजिबल नहीं होती, और हम सेल जो ऑब्जर्व करेंगे वो हमें मतलब साफ दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, अब ये आपको जो डायग्राम दे रखा है ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो डायग्राम है, और इसमें आपको बता रखा है आईपी जहाँ से हम अपने ऑब्जेक्ट को देखते हैं, उसकी बड़ी इमेज देखते हैं। ठीक है, अब क्लिप के बीच में स्लाइड को रखेंगे जैसा कि इस डायग्राम में दिखा रखा है। ठीक है, मिरर को एडजस्ट करेंगे जिससे कि सनलाइट को रिफ्लेक्ट करके फोकस आपकी स्लाइड पे जो ऑब्जेक्ट है उस पर जाए। ठीक है, तो हम ऑब्जर्व करेंगे तो हमें किस तरीके की जो आपकी ऑनियन पील आपने ली वो किस तरीके की दिखाई देती है। तो जैसा ये डायग्राम है आपका, ठीक है, कुछ इस तरीके की आपको ऑनियन पील माइक्रोस्कोप में दिखाई देगी। आपको दिखाई देगा कि ऑनियन पील जो है वो छोटे छोटे कंपार्टमेंट से मिलकर बनी हुई है, और ऑनियन पील में जितनी भी सेल्स हैं वो आप देख रहे होंगे लगभग कैसी हैं, एक जैसी दिख रही हैं, और उनके बीच में एक आपको ब्लैक डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगी। बस आपको यही दो चीजें आपको दिखाई देंगी, एक तो आउटर बाउंड्री सेल की और एक डॉट जो है आपको दिखाई देगी। ये जो डॉट आपको ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है इसके अंदर वो आपका न्यूक्लियस है, और ये बॉक्सेस से जो बने हुए हैं ये क्या है आपके सेल्स। तो हम देख रहे हैं कि ऑनियन पील में सारी की सारी जो सेल्स हैं वो लगभग लगभग सेम स्ट्रक्चर, उनकी जो बनावट है वो एक जैसी है। तो व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर क्या है। दीज स्ट्रक्चर लुक सिमिलर टू ईच अदर, टुगेदर दे फॉर्म अ बिग स्ट्रक्चर लाइक ए ऑनियन बल्ब। कहने का मतलब ये जो स्ट्रक्चर आपको सेल जैसी दिखाई दे रही है ये मिलकर एक बड़ी स्ट्रक्चर बनाती है जो कि ऑनियन बल्ब है। वी फाइंड फ्रॉम दिस एक्टिविटी द ऑनियन बल्ब ऑफ डिफरेंट साइजेस हैव सिमिलर स्मॉल स्ट्रक्चर विजिबल अंडर अ माइक्रोस्कोप। तो कहने का मतलब हम इस एक्टिविटी को करके पता चलते हैं ऑनियन बल्ब जो है वो बहुत छोटी छोटी सिमिलर स्मॉल स्ट्रक्चर से मिलकर बना हुआ है, और ये जो स्ट्रक्चर है छोटी छोटी ऑनियन बल्ब के अंदर ये क्या है आपकी सेल्स। द सेल्स ऑफ द ऑनियन बल्ब विल ऑल लुक द सेम रिगार्डलेस ऑफ द साइज ऑफ द ऑनियन दे केम फ्रॉम। कहने का मतलब ऑनियन पील के अंदर जितनी भी सेल्स हैं वो लगभग लगभग एक जैसी हैं, चाहे वो ऑनियन में कहीं से भी ली जाए। दीज स्मॉल स्ट्रक्चर दैट वी सी आर द बेसिक बिल्डिंग यूनिट ऑफ द ऑनियन बल्ब। और यही छोटी छोटी जो यूनिट हैं वो ऑनियन बल्ब की पूरी स्ट्रक्चर को तैयार कर देती है। दीज स्ट्रक्चर आर कॉल्ड सेल्स, और इन्हीं स्ट्रक्चर को हम सेल्स बोलते हैं। Not only the onion but all the organism that we observe around made up of the cell. तो न केवल आपकी onion बाकी जितने भी organism हम अपने आस पास देखते हैं सभी जो है cell से मिलकर बने हुए हैं। However, they are also single cell that live on their own. कहने का मतलब कि आपको जो organism visible है वो आपके मतलब अनकाउंटेबल नंबर ऑफ सेल से मिलकर बने हुए हैं, और ऐसे organism आपके multicellular organism कहलाते हैं जिनकी body एक से ज्यादा नंबर ऑफ सेल की बनी होती है। लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म अर्थ पर मौजूद हैं जिनके पूरी बॉडी ही एक सेल की बनी हुई है, और वो आपके विदाउट माइक्रोस्कोप विजिबल नहीं होते हैं। ऐसे आपके जो ऑर्गेनिज्म है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बता रखा मोर टू नो, ये आपका सिलेबस में नहीं होता है लेकिन थोड़ा सा इंटरेस्ट बनाने के लिए बीच बीच में आपको ऐसे टॉपिक देते हैं जिससे कि आपको चैप्टर को आगे जानने के लिए थोड़ा सा रुचि पैदा हो। ठीक है, तो सेल की डिस्कवरी 1665 में सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने डिस्कवरी की, फिर उसके बाद लीवेनहॉक ने थोड़ा सा माइक्रोस्कोप में चेंज किया, और अपने माइक्रोस्कोप में सुधार करने के बाद पहली बार उन्होंने एक लिविंग सेल को देखा पॉन्ड वाटर के अंदर। फिर रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में आपकी न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी, और पुरकिन जी जो थे उन्होंने 1839 में सेल के अंदर प्रेजेंट लिविंग सेल के अंदर प्रेजेंट जो फ्लूड था उसको प्रोटोप्लाज्म का नाम दिया। और उसके बाद जो है सेल थ्योरी आई, सेल थ्योरी में सेल के बारे में डिटेल में बताया गया। क्या बताया गया, ऑल द प्लांट एंड द एनिमल कंपोज ऑफ द सेल, सभी एनिमल और प्लांट जो है वो सेल के बने हुए हैं, एंड दैट सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ, और सभी जो लिविंग बींग है वो उनकी जो छोटी यूनिट है सबसे छोटी यूनिट उनकी सेल है। और इस थ्योरी को दो बायोलॉजिस्ट ने प्रेजेंट किया, सेलेडन एंड सेवान। ठीक है, द सेल थ्योरी वॉज फर्दर एक्सपेंडेड बाय वर्चो बाय सजेस्टिंग दैट ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो
आपके जो रुडोल्फ वर्चो नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसमें थोड़ा सा सुधार किया और उन्होंने ये भी ऐड किया कि हर एक सेल पुरानी एक सेल से जन्मी है, यानी बिना किसी पुराने सेल के नई सेल का जन्म नहीं हो सकता। विद द डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1948 वाज पॉसिबल टू ऑब्जर्व अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ द सेल एंड इट्स वेरियस ऑर्गेनेल। और जैसे जैसे माइक्रोस्कोप में सुधार होने लगा और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई 1940 में, तो बहुत सारे जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो आपके कंपाउंड माइक्रोस्कोप में विजिबल नहीं थे, वो भी आपके सेल के अंदर दिखाई देने लगे। द इन्वेंशन ऑफ द मैग्नीफाइंग लेंसेज लेड टू द डिस्कवरी ऑफ द माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। इट इज नाउ नोन दैट सिंगल सेल में कॉन्स्टिट्यूट अ होल ऑर्गेनिज्म एज एन अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया। कहने का मतलब ये है कि आपका माइक्रोस्कोप की बनावट से आपके जो सेल के बारे में स्टडी थी उसमें बहुत बड़ी क्रांति आई, बहुत बड़ी रिवॉल्यूशन आई और हम इसकी मदद से जो है एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को भी देख सकते हैं। जैसे अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम और बैक्टीरिया, ये सारे आपके सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं और जिन्हें हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते और इनको हम माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी पूरी बॉडी एक ही सेल की बनी हुई होती है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ऑन द अदर हैंड मैनी सेल्स ग्रुप टूगेदर इन अ सिंगल बॉडी एंड अज्यूम डिफरेंट फंक्शन इन टू फॉर्म वेरियस बॉडी पार्ट इन द मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म सच एज फंगी, प्लांट एंड एनिमल्स। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जहाँ कई सेल्स आपस में मिलकर एक बॉडी पार्ट बनाती हैं और बहुत बॉडी पार्ट मिलकर पूरी कंप्लीट बॉडी बनाते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म आपके मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं जिनकी बॉडी जो है कई सारी सेल से मिलकर बनी होती है। मल्टी माने होता है मैनी और सेलुला मतलब सेल, यानी द ऑर्गेनिज्म विच इज मेड अप ऑफ द मैनी नंबर ऑफ द सेल्स आर कॉल्ड मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल फंगी, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द एग्जाम्पल ऑफ द मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म। कैन वी फाइंड आउट द नेम्स ऑफ सम मोर यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन किया है, क्या आपको और कोई यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म के बारे में पता है, तो आप रिकॉल कीजिए कि आपने लास्ट क्लासेस में किन किन यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा है। एवरी मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म हैज कम फ्रॉम अ सिंगल सेल, हाउ। तो इसमें आपसे क्वेश्चन किया है कि हर एक मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म एक सिंगल सेल से आया है, बताओ कैसे। तो आप याद करेंगे आपने 8th क्लास में क्या पढ़ा था, आपने रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ा था जिसमें आपने पढ़ा था कि एग और स्पर्म के फ्यूजन के बाद एक सेल तैयार होती है जायगोट, और जायगोट के फर्दर डिवीजन से आपका फुल ऑर्गेनिज्म तैयार होता है। यानी जायगोट एक सिंगल सेल है और सिंगल सेल से ही पूरा एक जो बॉडी थी बेबी की वो तैयार हो गई। तो हर एक मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म का जन्म एक सिंगल सेल से हुआ है। सेल डिवाइड टू प्रोड्यूस द सेल्स ऑफ देयर ओन काइंड, ऑल सेल्स दस कम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सारी सेल्स हैं वो पहले से अर्थ पर मौजूद सेल्स, उनसे उनका जन्म हुआ है। एक्टिविटी 5.2, वी कैन ट्राई प्रिपेयरिंग टेम्पररी अमाउंट ऑफ द लीफ, पील टिप और रूट ऑफ द ऑनियन और इवन पील ऑफ द ऑनियन ऑफ डिफरेंट साइजेस। After performing the above activity, let us see what the answer to the following question would be. यहाँ पर आपको temporary slide बनाने के लिए कहा है leaf peel की और root, tip root of onion, onion की जो root होती है उसकी tip की और आपकी जो peel है onion की उनकी, तो इन सबको comparison करने पे हमें क्या महसूस होता है। First question है, do all cells look like in terms of the shape and size? तो हम देखेंगे, हम ऐसी स्लाइड बनाएंगे तो हम देखेंगे कि सभी जो सेल्स हैं उनकी शेप एक जैसी नहीं है, साइज भी एक जैसा नहीं है। डू ऑल सेल्स लुक लाइक इन स्ट्रक्चर, क्या सबकी स्ट्रक्चर एक जैसी है? तो लगभग देखने में तो ऐसा लग रहा है कि एक जैसी है, कि आपको सेल मेम्ब्रेन दिखाई देती है, उसमें आपको न्यूक्लियस दिखाई देता है। कुड वी फाइंड डिफरेंसेस अमंग द सेल्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी। तो क्या हम अलग अलग पार्ट में प्लांट के देखते हैं, उनके टिश्यू को देखते हैं, तो सेल्स की बनावट में, शेप में अंतर देखते हैं? तो अभी तो आप लोगों ने देखा नहीं है, लेकिन जब आपका लैब में एक्सपेरिमेंट करा जाएंगे तो आप ये डिफरेंस अच्छे से आपको क्लियर होगा। व्हाट सिमिलरिटी कुड वी फाइंड, तो क्या सिमिलरिटी इन तीनों की स्ट्रक्चर में हमें देखने को मिली? तो हमें ये सिमिलरिटी देखने को मिलती है, हमें तीनों में ही सेल मेम्ब्रेन दिखाई देगी अगर जो हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखते हैं, और हमें न्यूक्लियस भी दिखाई देगा, और न्यूक्लियस
और आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है, आउटर बाउंड्री जो है सेल की, उनके बीच में आपको एक लिक्विड सा दिखाई देगा, फ्लूड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगी, वो क्या होता है आपका साइटोप्लाज्म। सम ऑर्गेनिज्म कैन ऑल्सो हैव सेल्स ऑफ द डिफरेंट काइंड। लुक ऑफ द फॉलोइंग पिक्चर, इट डिपिक्ट सम सेल्स फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। एक ऑर्गेनिज्म के अंदर एक से ज्यादा तरीके की सेल्स प्रेजेंट हो सकती हैं। जैसे कि हम ह्यूमन की ही बात करें, तो ह्यूमन की सेल्स की बात करें, आपको यहाँ पर अलग अलग पार्ट से सेल दिखाई गई हैं। जैसे ब्लड सेल की जो शेप है, देखिए आप ओवल शेप्ड है। आपकी जो मसल सेल है वो आपकी कैसी स्पिंडल शेप्ड आपको दिखाई दे रही है, ओवम बिल्कुल स्पेरिकल आपको दिखाई दे रहा है। और जो बोन सेल है वो आपको अलग शेप में दिखाई दे रही है, स्पर्म आपको एलोंगेटेड शेप में दिखाई दे रहा है, नर्व सेल वो आपको एलोंगेटेड शेप में दिखाई दे रही है, और जो फैट है वो भी आपको सेमी ओवल शेप में आपको दिखाई दे रही है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं ह्यूमन बीइंग के अंदर ही इतने टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट है, यानी सेल की जो शेप है वो डिपेंड करती है कि वो काम क्या करता है। क्योंकि ब्लड सेल है उसको फ्लो करना होता है ब्लड सेल्स को, और उसके लिए राउंड शेप जो होगी वो ज्यादा सुटेबल रहेगी। और आपका जो न्यूरॉन है, नर्व सेल जो आपको दे रखी है, उसमें उसको मैसेज कंडक्ट करना होता है एक बॉडी पार्ट से ब्रेन को, तो उसको वो जितना ज्यादा लंबा होगा उतना ही ज्यादा मैसेज कंडक्शन में जो है इजी रहेगा। इसलिए जो सेल की शेप है वो उस चीज पे डिपेंड करती है कि वो पर्टिकुलर सेल किसी ह्यूमन की बॉडी में या किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में काम क्या कर रही है। The shape and the size of the cells are related to the specific function they perform. Some cells like the amoeba have changing shape. In some cases the cell shape could be more or less fixed and the particular for the particular type of the cell. For example, nerve cell have typical shape. इसमें ये क्या बता रखा है बेटा कि किसी भी सेल की शेप और साइज इस चीज पर डिपेंड करता है कि वो काम क्या करता है, उसका फंक्शन क्या है। और कुछ ऐसी सेल्स भी मौजूद हैं अर्थ पर, जैसे कि अमीबा, जो अपनी शेप को लगातार चेंज कर सकता है, और कुछ ऐसी सेल्स भी हैं जो अपनी जो शेप है उनकी वो फिक्स रहती है। जैसे कि आपकी जो नर्व सेल है उसकी इलॉन्गेटेड शेप जैसी है वो ऐसी ही रहती है, वो चेंज नहीं होती है। ईच लिविंग सेल हैव द कैपेसिटी टू परफॉर्म सर्टेन बेसिक फंक्शन दैट आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग फॉर्म। हाउ डज अ लिविंग परफॉर्म दीज बेसिक फंक्शन? वी नो दैट देयर इज अ डिवीजन ऑफ द लेबर इन द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज ह्यूमन बींग। This means the different part of the human body perform different function. अब हम देखते हैं कि हर एक लिविंग बींग के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जिन्हें वो करता है, जैसे कि रेस्पिरेशन, ठीक है, जैसे एक्सक्रेशन, रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो ये सभी मतलब बेसिक फंक्शन है, और इनको करने के लिए हमारी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, और हर डिवीजन ऑफ लेबर हमारी बॉडी में पाया जाता है, यानी हर ऑर्गन सिस्टम को एक काम मिला हुआ है जिसे ऑर्गन सिस्टम करता है, ठीक है, जिससे कि काम आपका क्या हो, सिंपल वे में आपका कंप्लीट हो जाए। दिस मीन्स दैट द डिफरेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। इसका मतलब यह है कि हमारी बॉडी के अलग अलग हिस्से अलग अलग काम करते हैं। द ह्यूमन बॉडी हैज अ हार्ट टू पंप ब्लड, अ स्टमक टू डाइजेस्ट फूड एंड सो ऑन। जैसे कि हमारा जो हार्ट है वो ब्लड पंप करता है, स्टमक फूड डाइजेस्ट करता है, तो इसी तरीके का जो लेबर है, डिवीजन ऑफ लेबर, जैसे कि हमारी बॉडी में काम का बंटवारा हो रहा है ना, इसी तरीके का डिवीजन ऑफ लेबर एक सिंगल सेल में भी प्रेजेंट होता है। यानी जो सारे फंक्शन एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में हो रहे हैं, और इतनी सारी सेल्स मिलकर उस काम को कर रही हैं, एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म के अंदर भी वो ही सारे फंक्शन हो रहे हैं। इनफैक्ट ईच सच सेल हैज गॉट सर्टेन स्पेसिफिक कंपोनेंट विद इन इट नोन एज द सेल ऑर्गेनिज्म। और ये कैसे होता है कि सेल के अंदर कुछ स्पेसिफिक कंपोनेंट होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनल। वो हर एक सेल ऑर्गेनल एक पर्टिकुलर काम कर रहा है। ईच काइंड ऑफ द सेल ऑर्गेनल परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन सच एज मेकिंग न्यू मटेरियल इन द सेल। जैसे कि सेल के अंदर कुछ नया मटेरियल बनना है तो एक सेल ऑर्गेनल वो काम कर रहा है, दूसरा क्लियरिंग अप द वेस्ट मटेरियल, जो वेस्ट सेल के अंदर बना है वो उसकी सफाई कर रहा है, एंड सो ऑन। A cell is able to live and perform all its function because of this organelle. एक सेल अपने सारे फंक्शन जो है इन सेल ऑर्गेनल की मदद से कर पाती है। दीज ऑर्गेनल टूगेदर कॉन्स्टिट्यूट द बेसिक यूनिट कॉल्ड द सेल। सेल इन बेसिक मतलब अपने कंपोनेंट के साथ मिलाकर बेसिक यूनिट कहलाती है, जिसे हम बोलते हैं सेल। इट इज इंटरेस्टिंग दैट ऑल सेल्स आर फाउंड टू हैव सेम ऑर्गेनल नो मैटर व्हाट देयर फंक्शन इज
और व्हाट ऑर्गेनिज्म दे आर फाउंड इन। कहने का मतलब ये बात बहुत इंटरेस्टिंग है कि हमारे जो सेल्स हैं उनके शेप चाहे कुछ भी हो लेकिन उनके अंदर जो प्रेजेंट ऑर्गेनल हैं वो सभी में सेम होते हैं। व्हाट इज द सेल मेड अप ऑफ, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल। अब क्वेश्चन ये है कि सेल कैसे, मतलब सेल कैसे बनी, मतलब सेल क्या है और सेल का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, सेल किस चीज की बनी है और उसके ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है। अभी तो अबव द सेल है द स्पेशल कंपोनेंट कॉल ऑर्गेनल्स। हाउ इज द सेल ऑर्गेनाइज, हमने अभी जाना कि सेल के अंदर कुछ स्पेशल कंपोनेंट होते हैं जो पर्टिकुलर काम करते हैं और वो किस तरीके से सेल के अंदर ऑर्गेनाइज रहते हैं, किस तरीके से मतलब उनकी पोजीशन फिक्स है या उनकी पोजीशन चेंज हो रही है। ठीक है, आइए इसके बारे में और पढ़ते हैं। इफ वी स्टडी अ सेल अंडर अ माइक्रोस्कोप वी वुड कम अक्रॉस थ्री फीचर इन ऑलमोस्ट एवरी सेल। यदि हम सेल को कंपैरिजन करें, जैसे कि हमने इससे पहले वाली एक्टिविटी में करा था जिसमें हमने ऑनियन पील लिया था और एक लीफ की लेयर ली थी और रूट का पार्ट लिया था, तो यदि हम तीनों को कंपैरिजन करें तो हमें बेसिक चीजें तीन जो है वो क्लियर दिखाई देंगी। एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन तीनों में है प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियस भी जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर सेल्स के अंदर प्रेजेंट था वो न्यूक्लियस तीनों में दिखाई दे रहा था, और साइटोप्लाज्म यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो फ्लूइड फिल्ड है वो आपका साइटोप्लाज्म, तो ये तीनों में था। ऑल एक्टिविटीज इनसाइड द सेल एंड द इंटरेक्शन ऑफ द सेल विद इट्स एनवायरमेंट आर पॉसिबल ड्यू टू दी फीचर्स। ये सारी की सारी जो सेल की जो एक्टिविटीज है, सेल के अंदर होने वाली जितनी भी एक्टिविटीज है और सेल का जो अपने एनवायरमेंट के साथ बिहेवियर है वो किसके कारण पॉसिबल है, वो इस वजह से, इसकी जो स्ट्रक्चर है उसकी वजह से पॉसिबल है। लेट अस सी हाउ, चलिए देखते हैं कैसे। अब बात करते हैं सबसे पहले जो आपके सेल का सबसे बड़ा पार्ट आपको क्लियर दिखाई देता है, जो उसकी आउटर शेप दिखाई देती है, उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। दिस इज द आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरमेंट। ये आपके सेल की आउटर कवरिंग होती है और सेल के अंदर के कंटेंट को उसके बाहर के जो एनवायरमेंट है उससे अलग रखने का काम करती है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ और परमिट द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक खासियत होती है कि ये कुछ सिलेक्टेड मटेरियल को ही सेल के अंदर जाने देता है बाहर से, और कुछ ही सिलेक्टेड मटेरियल को जो आपकी सेल के अंदर वेस्ट के रूप में है उनको सेल से बाहर जाने देता है। इट ऑल्सो प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल, और साथ के साथ मतलब परमिशन के साथ साथ जो अनवांटेड चीजें हैं जो सेल के अंदर नहीं होनी चाहिए उनको सेल के अंदर आने से भी रोकती है आपकी सेल मेम्ब्रेन। तो इसलिए द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। तो इसलिए आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है उसको सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। यहाँ पर आपका एक इनटेक्स्ट क्वेश्चन भी है और आपसे अधिकतर क्वेश्चन पूछ भी जाता है कि वाई सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है आपका हाउ डज द मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस टेक प्लेस इन टू द बॉडी, हाउ डू अ सब्सटेंस मूव आउट ऑफ द सेल। कहने का मतलब किस तरीके से ये सब्सटेंस, अब इनको परमिशन देने का काम करती है सेल मेम्ब्रेन, तो ये सब्सटेंस किस तरीके से सेल के अंदर आते हैं और किस तरीके से जो है वो सेल से बाहर जाते हैं। सम सब्सटेंसेज लाइक द कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाई ए प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। कहने हर सेल जो होती है आपकी वो रेस्पिरेशन करती है, उसमें गैस का एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, तो वो कौन सी प्रोसेस से होता है आपकी, डिफ्यूजन की प्रोसेस से। वी हैव स्टडीड दैट द प्रोसेस ऑफ द डिफ्यूजन इन अर्लियर चैप्टर, वी सॉ दैट देयर इज अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन। अब इसमें आपको बोला है कि आपने अर्लियर चैप्टर में इसके बारे में पढ़ा है, तो आपने केमिस्ट्री का भी फर्स्ट लेसन जो है वो स्टेट्स ऑफ मैटर आपने नहीं पढ़ा है, तो इसलिए आपको मैं बता दूँ डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन किसी सब्सटेंस की जहां पर वो ज्यादा अमाउंट में है उससे उधर की तरफ मूव करने की जो प्रोसेस है, जहां पर वो जिसका उसका कंसेंट्रेशन कम है, ठीक है, ये आपकी डिफ्यूजन कहलाती है। कहने का मतलब यदि कोई सब्सटेंस एक जगह ज्यादा अमाउंट में है तो वो किधर मूव करेगा, जहां उसकी अमाउंट कम है। सपोज सेल के अंदर आपके पोटेशियम आयन ज्यादा अमाउंट में है और सेल के जो एक्सटर्नल एनवायरमेंट है उसमें पोटेशियम आयन जो है वो कम अमाउंट में है, तो जो आपके पोटेशियम आयन है वो सेल के अंदर से बाहर की तरफ मूव करेंगे, और कौन सी प्रोसेस से करेंगे, डिफ्यूजन की प्रोसेस से करेंगे। और इसी प्रोसेस को कि सब्सटेंस का उसकी हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करना,
ठीक है, ये आपका डिफ्यूजन कहलाता है। समथिंग सिमिलर टू दिस हैपन इन द सेल व्हेन फॉर एग्जांपल सम सब्सटेंस लाइक द कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेट इन इट हाई कंसेंट्रेशन इन साइड द सेल। जैसे हमने पोटेशियम आयन का आपको एग्जाम्पल दिया, सेम प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड जब सेल के अंदर ज्यादा हो जाता है तो वो सेल के अंदर से एक्सटर्नल एनवायरमेंट की तरफ मूव करने लगता है। द कंसेंट्रेशन ऑफ द CO2 इज लो एज कम्पेयर टू दैट इन साइड द सेल। एज सून एज देर इज डिफरेंस ऑफ द कंसेंट्रेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन साइड एंड द आउटसाइड ऑफ द सेल, CO2 मूव आउट ऑफ द सेल फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कंसेंट्रेशन। तो ये आप समझ चुके हैं, मैंने आपको पोटेशियम आयन के एग्जाम्पल देके समझा दिया और यहाँ पर आपको कार्बन डाइऑक्साइड का सेम एग्जाम्पल दे रखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड यदि बाहर जाता है तो वो सेल के अंदर मूव करेगी, क्योंकि हमेशा हाई कंसेंट्रेशन से उसे लो की तरफ मूव करना, और सेल के अंदर ज्यादा है तो वो अपने एक्सटर्नल सराउंडिंग में मूव करेगी डिफ्यूजन की प्रोसेस के द्वारा। Similarly, oxygen enters the cell by the process of the diffusion when the level of the concentration of the oxygen inside the cell decreases. इसी तरीके से ऑक्सीजन आपकी सेल के अंदर एंटर करती है यदि उसका ऑक्सीजन का लेवल सेल के अंदर कम हो चुका है। The diffusion play an important role in the gaseous exchange between the cell as well as the cell and its external environment. तो इसलिए हम कह सकते हैं diffusion एक important role play करता है कि सेल और उसके outer surrounding के बीच में जो gaseous exchange हो रहा है उसमें। वाटर ऑल्सो ओबे द लॉ ऑफ डिफ्यूजन, आपका जो वाटर है वो भी लॉ ऑफ डिफ्यूजन को ओबे करता है। द मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल थ्रू सच अ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। लेकिन जो वाटर की जो मूवमेंट है आपकी सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, ये आपकी ऑस्मोसिस कहलाती है, इसको हम डिफ्यूजन नहीं बोलते। द मूवमेंट ऑफ द वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो अफेक्टेड बाई द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस डिसॉल्व इन द वाटर। इसमें आपका ऑस्मोसिस में दो चीजें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपकी, एक तो कि वाटर का कंसंट्रेशन कहाँ पर ज्यादा है। वाटर हमेशा जहाँ वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा हैं उससे हमेशा उधर की तरफ मूव करेगा जहाँ वाटर मॉलिक्यूल कम है, ठीक है। दूसरा चीज पर डिपेंड करेगा कि जो वाटर है उसमें सॉल्ट कितना डिजोल्व है। तो ज्यादा सॉल्ट डिजोल्व होगा और कम एक वाटर जो है ज्यादा अमाउंट में लेकिन उसके अंदर सॉल्ट ज्यादा है, और दूसरा वाटर है जिसके अंदर वाटर की अमाउंट कम है लेकिन उसके अंदर सॉल्ट नहीं है। तो वाटर जो आपका वाटर जिसके अंदर सॉल्ट कम है तो उधर से मूव करेगा किधर की तरफ, जिसके अंदर सॉल्ट ज्यादा डिजोल्व है। दैट ऑस्मोसिस इज द पैसेज ऑफ द वाटर फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर वाटर कंसेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन टू अ रीजन ऑफ लो वाटर कंसेंट्रेशन। इसलिए हम कह सकते हैं ऑस्मोसिस क्या है, वाटर की मूवमेंट है जहाँ उसका हायर वाटर कंसेंट्रेशन है, हायर वाटर कंसेंट्रेशन से लोअर वाटर कंसेंट्रेशन की तरफ थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। यानी इसके लिए एक कंडीशन जरूरी है, डिफ्यूजन में सेमी परमेबल का होना ना होना इतना जरूरी नहीं है, लेकिन ऑस्मोसिस को होने के लिए सेमी परमेबल की प्रेजेंस जो है वो जरूरी होती है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट विल हैपन इफ वी पुट एन एनिमल और अ प्लांट इनटू अ सॉल्यूशन ऑफ द शुगर और सॉल्ट इन वाटर। क्या होता है जब हम किसी एनिमल सेल या प्लांट सेल को एक शुगर और सॉल्ट के सॉल्यूशन में रख देते हैं, तो ऑब्वियसली बात है हमने कई बार ये चीज करके देख रखी होगी। कई बार हम अंगूर को क्या करते हैं कि उसमें सॉल्ट सॉल्टी वाटर में रख देते हैं, तो क्या होता है आपका जो ग्रेप्स हैं वो आपके श्रिंक हो जाते हैं, जो वाटर अगर जो ज्यादा सॉल्ट उसके अंदर हुआ बाहर वाले, और वैसे ही वाटर में रखेंगे तो वो बिना सॉल्ट वाले वाटर में रखेंगे तो वो स्वेल कर जाते हैं, क्योंकि वो जो वाटर की मूवमेंट है वो उसके अंदर होती है उस समय सेकेंड केस में। अब इसमें आपको तीन केसेस बता रखे हैं कि इस चीज पर डिपेंड करता है कि आपने जो सॉल्यूशन लिया है सेल को रखने के लिए, सॉल्यूशन तीन तरीके के हो सकते हैं। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्ट की मात्रा ज्यादा हो, जिसमें सॉल्ट का जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा हो। एक ऐसा दूसरा सॉल्यूशन हो सकता है जिसमें जो सॉल्ट है वो उतना ही डिजोल्व हो जितना सेल के अंदर होता है। और तीसरा कंडीशन जिसमें सॉल्ट की अमाउंट जो है वो कम हो कंपैरेटिवली द सेल, सेल में के साइटोप्लाज्म में जितना सॉल्ट होता है उससे कम हो सॉल्यूशन के अंदर। तो फर्स्ट केस है, इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज अ हायर वाटर कंसंट्रेशन देन अ सेल मीनिंग देन द आउटसाइड सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट। कहने का मतलब जो सेल हमने जिस सॉल्यूशन में रखी है उसमें वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है,
इसका मतलब सॉल्यूशन जो है वो आपका डायल्यूट है। डायल्यूट मतलब किसी सॉल्यूशन में यदि वाटर की अमाउंट ज्यादा होती है तो उसे डायल्यूट बोलते हैं, ठीक है। द सेल विल गेन वाटर, तो ऐसी कंडीशन में जो आपकी सेल है उसके अंदर वाटर एब्जॉर्ब होगा और उसका साइज जो है वो बड़ा हो जाएगा। तो इस तरीके का सॉल्यूशन जिसमें वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है वो आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है। और वाटर मॉलिक्यूल आर फ्री टू पास अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन बट मोर वाटर विल कम इन टू द सेल देन विल लीव। कहने का मतलब वैसे तो वाटर मॉलिक्यूल उसके अंदर भी जाएंगे और अंदर से बाहर भी जाएंगे, लेकिन ज्यादा वाटर जो होगा वो बाहर से अंदर की तरफ जाएगा। तो नेट रिजल्ट क्या होगा कि आपकी जो सेल है वो स्वेल अप हो जाएगी। तो कई बार एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है व्हाट विल हैपन इफ अ सेल इज कैप्ट इन अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मींस डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन मींस इन विच द वाटर कंसंट्रेशन इज हाई। सेकेंड केस है इफ द मीडियम हैज एग्जैक्टली द सेम वाटर कंसंट्रेशन एज द सेल। दूसरा मीडियम जिसके अंदर वाटर का कंसंट्रेशन सेम उतना ही है जितना की साइटोप्लाज्म के अंदर है सेल के, तो उसमें क्या होगा कि जितने वाटर मॉलिक्यूल सेल के अंदर जाएंगे उतने ही वाटर मॉलिक्यूल सेल से बाहर भी निकलेंगे, जिससे सेल के साइज में कोई बदलाव नहीं हुआ और आपको वाटर की मूवमेंट भी होती हुई दिखाई नहीं देगी और सेल का साइज जो है वो सेम रहेगा। और इस तरीके का जो सॉल्यूशन है वो आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है। नेक्स्ट है कि इफ द मीडियम हैज अ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ द वाटर देन अ सेल मीनिंग दैट इज अ वेरी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन द सेल विल लूज वाटर बाय ऑस्मोसिस सच अ सॉल्यूशन इज नोन एज अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। यदि हमने ऐसा सॉल्यूशन दिया है जिसमें वाटर की जो अमाउंट है वो बहुत कम है, इसका मतलब जो सॉल्यूशन है वो कंसंट्रेटेड है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में जो आपकी सेल है वो अपने साइटोप्लाज्म के अंदर जो वाटर है उसको लूज कर देगी और जो आपकी फाइनली जो सेल का साइज है वो आपको श्रिंक होता हुआ नजर आएगा। वाटर मूवमेंट तो दोनों तरफ हो रही होगी लेकिन जो सेल के अंदर जो वाटर प्रेजेंट है वो अधिकतर किधर जा रहा होगा, बाहर की तरफ जा रहा होगा, जिससे सेल का साइज जो है वो श्रिंक हो जाएगा। दस ऑस्मोसिस इज ए स्पेशल केस ऑफ द डिफ्यूजन थ्रू अ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस एक स्पेशल केस है डिफ्यूजन का ही, जिसके लिए सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन का होना जरूरी है। नाउ लेट अस ट्राई आउट द फॉलोइंग एक्टिविटी। अब यहाँ पर आपको एक्टिविटी दी गई है, रिमूव द सेल ऑफ एन एग बाय डिसॉल्विंग इन इट डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपको एक एग लेना है और उसका जो सेल है उसको रिमूव कर देना है उसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालकर। द सेल इज मोस्टली कैल्शियम कार्बोनेट और जो सेल बना होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अ थिन आउटर स्किन नाउ क्लोजेज एंड क्लोजेज द एग और एक पतली सी स्किन होती है जो एग को कवर करे रहती है। पुट द एग इन प्योर वाटर एंड ऑब्जर्व आफ्टर 5 मिनट। आपको क्या करना है कि जो आपने सेल को हटाकर एग लिया है उसको कुछ देर के लिए वाटर में रखना है, तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, द एग स्वेल अप बिकॉज वाटर पासेस इनटू बाय ऑस्मोसिस। हम देखते हैं कि जो एग है वो स्वेल कर जाता है क्योंकि जो बाहर पानी आपने रखा था वो एग के अंदर एंटर कर जाता है। प्लेस अ सिमिलर डीसेल्ड एग इन अ कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन एंड ऑब्जर्व फॉर 5 मिनट। अब इसमें आपको बोला है कि आपको सेम डीसेल्ड किया हुआ एग लेना है और उसको कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में लेना है, मतलब ऐसा जो आपको वाटर लेना है जिसके अंदर सॉल्ट की अमाउंट बहुत ज्यादा हो और सिर्फ 5 मिनट के लिए से छोड़ना है। तो हम क्या देखेंगे, जो एग है वो आपका श्रिंक हो जाता है। तो क्वेश्चन क्या है, वाई? तो क्योंकि उसमें क्या है कि कंसंट्रेटेड था आपका जो सेकंड केस था, तो वाटर जो है के अंदर से किधर की तरफ मूव करेगा, आपके सॉल्यूशन की तरफ मूव करेगा जो सॉल्यूशन आपको दिया गया है, तो इसलिए आपका जो एग है वो साइज में जो है वो श्रिंक हो जाएगा। वी कैन ऑल्सो ट्राई अ सिमिलर एक्टिविटी विद अ ड्राइड रेजिन और एप्रिकॉट। ये वाली हम एक और एक्टिविटी ट्राई कर सकते हैं जिसमें हम किशमिश ले सकते हैं। तो हमने क्या करना है कि कुछ सूखी हुई जो किशमिश होती है उनको प्लेन वाटर में रखना है, कुछ टाइम के लिए छोड़ना है, फिर हम देखेंगे क्या देखेंगे कि जो आपकी रेजिन है वो साइज में बड़ी हो गई है, स्वेल हो गई है, और जब हम इन्हें कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में रखेंगे तो फिर देखेंगे कि क्या होता है कि ये श्रिंक हो जाती है, सेम वही जो एग के केस में हुआ, ठीक है। तो ये आपका बता रखा है कि सॉल्यूशन पे डिपेंड करता है कि जो आपका ऑस्मोसिस है वो एंडो ऑस्मोसिस होगा या एक्सो ऑस्मोसिस होगा। अब एंडो ऑस्मोसिस और एक्सो ऑस्मोसिस में क्या अंतर होता है, जब वाटर की जो मूवमेंट है नेट मूवमेंट वो सेल की अंदर की तरफ होती है तो उसको बोलते हैं, बाहर से अंदर की तरफ होती है तो उसे बोलते हैं हम एंडो ऑस्मोसिस। एंडो ऑस्मोसिस मेड अप ऑफ द टू वर्ड एंडो प्लस ऑस्मोसिस। एंडो माने अंदर,
और ऑस्मोसिस अंदर की तरफ होने वाली ऑस्मोसिस, और एक्सो ऑस्मोसिस यानी एक्सो माने आउट, तो जो ऑस्मोसिस सेल से अंदर से बाहर की तरफ होती है वाटर की जो मूवमेंट है उसको हम एक्सो ऑस्मोसिस बोलते हैं, ठीक है। और जो प्लांट आपके वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं रूट के थ्रू, ठीक है, वो भी कौन सी प्रोसेस होती है आपकी, ऑस्मोसिस होती है, ठीक है। यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म एंड मोस्ट प्लांट सेल टेंड टू गेन वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर बाय द प्लांट रूट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ द ऑस्मोसिस। यहाँ पर आप ऑस्मोसिस के कई एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे कि यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी अपना वाटर ऑस्मोसिस की प्रोसेस से एब्जॉर्ब करते हैं, आपके प्लांट की जो रूट है वो भी वाटर का एब्जॉर्प्शन ऑस्मोसिस की प्रोसेस से करती है। Thus diffusion is important in exchange of the gases and water in life of a cell. In addition to this, the cell also obtain nutrition from its environment. कहने का मतलब ये है कि diffusion एक important role play करता है जिससे gas और water का intake हो cell के अंदर, जिससे इसकी life continuous रहे। इसके अलावा जो है जो cell है वो अपने outer environment से nutrition भी obtain करती है। तो डिफरेंट मॉलिक्यूल मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल थ्रू अ टाइप ऑफ द ट्रांसपोर्ट रिक्वायरिंग यूज ऑफ द एनर्जी। कहने का मतलब सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस कुछ फूड मटेरियल का भी ट्रांसपोर्ट होता है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल एंड इज मेड अप ऑफ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कॉल्ड लिपिड एंड प्रोटीन। आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो काफी फ्लेक्सिबल होती है और जो आपके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं जैसे कि लिपिड और प्रोटीन उनसे मिलकर बनी होती है। However, we can observe the structure of the plasma membrane through an electron microscope. लेकिन हम अपनी जो स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वो केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। The flexibility of the cell membrane also enable the cell to engulf in food and other materials from its external environment. और यही flexibility cell membrane की उसे enable करती है, उसे योग्य बनाती है कि वो अपने outer environment से जो है food को ले सके। सच प्रोसेस आर नोन एज एंडोफाइटोसिस। और ये जो फूड के लेने की प्रोसेस है, ठीक है, अमीबा जैसे ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो सेल मेम्ब्रेन की मदद से ही अपना जो फूड है वो इंटेक करते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस। एंडो माने इनसाइड, साइटोसिस माने साइटोप्लाज्म यानी साइटोप्लाज्म के अंदर किसी चीज को लेना, ठीक है। अब एक्टिविटी 5.5 में कहा है कि फाइंड आउट अबाउट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप फ्रॉम रिसोर्स। ये एक्टिविटी आपको करना है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में आपको और जगह से सर्च करना है, पढ़ना है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैसा है, होता है, ठीक है। अब आपका यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन आपका खत्म हो जाता है, यानी फर्स्ट कंपोनेंट आपका जो है मेजर मतलब सेल की जो हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखा था, तो आउटर बाउंड्री जो आपको दिखाई दी थी जो शेप डिसाइड कर रही थी आपकी। तो सेल मेम्ब्रेन के क्या क्या फंक्शन होते हैं, एक तो शेप प्रोवाइड करती है सेल को, दूसरा आपका जो सेलेक्टेड मटेरियल को आपके सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करती है, तीसरा आपको जो फूड इनटेक में हेल्प करती है, ठीक है। तो कहने का मतलब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है सेल के अंदर। यहाँ तक आपका आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब ये आपको बार बार रिवाइज करेंगे तो आपको अच्छे से चैप्टर लर्न हो जाएगा। थैंक यू।